Hello students, class 10th, Footprint is Without Feet, book का chapter number 6 पढ़ेंगे हम, The Making of a Scientist. Richard Ebright has received the Shale Scholar Award and the Shale Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो रिचर्ड ब्राइट के बारे में ये चैप्टर पूरा है और उन्होंने विद्वान शेल स्कॉलर अवार्ड उन्होंने जीता हुआ है क्योंकि वो विद्वान थे और बायोकेमिस्ट्री का भी उन्होंने स्केल में प्लो अवार्ड जीता था और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी उन्होंने अवार्ड जीता था. तीन अवार्ड इन्होंने यहाँ मेन दिए हुए हैं जो जीते थे. इट वॉज ए फैसिनेशन, उन्हें सारा सब कुछ क्या था, उनके बटरफ्लाई के आकर्षण के कारण था जो जिसने उनके लिए विज्ञान जगत का एक दरवाज़ा खोल दिया था. तो ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिचर्ड ब्राइट के बारे में और इनका दो पार्ट में इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. एक तो उनकी मदर का रोल क्या था उनके भविष्य को बनाने में और उनकी जो क्यूरियोसिटी साइंस के प्रति थी उसको पूरा करने में मदर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. और दूसरा उनकी अलग अलग क्लासेज में क्या क्या गतिविधियाँ रही थी, किस किस ईयर में उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की थी, ये मेन है. तो पहला मेन है मदर का, जो आता ही आता है लेकिन पेपर में एग्जाम में आता ही है कि मदर का उनका क्या रोल था इस चैप्टर में. रीड एंड फाइंड आउट, इसमें क्या क्या हम पता करेंगे. हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट की जीवन में एक किताब किस तरीके से टर्निंग पॉइंट बन गई. और दूसरा हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसे उसकी मदद कैसे की. तो चैप्टर पढ़ते हैं फटाफट, देखते हैं इसमें क्या क्या मेन है. एट द एज ऑफ 22 ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article of the Proceedings of the National Academy of Science. तो 22 वर्ष की उम्र में जो पिछले जो स्कॉट ऑफ द ईयर थे यानी विद्यार्थी रहे थे पिछले वर्ष के, उन्होंने एकदम विज्ञान जगत को एक्साइटेड कर दिया, उत्तेजना मिला दिया एक नई थ्योरी को ला करके जिसमें ये दिखाया गया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं. और रिचर्ड एच एब्राइट और उसका जो क्लोज का जो रूममेट था, साथ में रहने वाले जो साथी थे, रूम में एक ही साथ रहते थे, उन्होंने एक थ्योरी दी और उसको एक आर्टिकल में उन्होंने छापा जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग होम रन फॉर रन योर बिग फर्स्ट टाइम एट बैट. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. And it all started with butterflies. तो क्या हुआ कि ये जो पहला इंपॉर्टेंट जो वैज्ञानिक जर्नल था जिसने पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने कोई भी लेख कॉलेज के स्टूडेंट्स का अपने उसमें पत्रिका में छापा हो, ये पहली बार ऐसा हुआ था. जैसा कि स्पोर्ट्स में, जिससे ये इस प्रकार से था जैसे कि स्पोर्ट में कोई बड़ी लीग में खेलता हो और 15 वर्ष की उम्र का कोई खिलाड़ी हो और वो पहले ही टाइम में बैटिंग में वो अच्छे नंबर बना जाए या बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दे. तो इस प्रकार से था और रिचर्ड एब्राइट के लिए ये पहला ऐसा था कि जो विज्ञान के में जितनी भी उनको आगे चल के अचीवमेंट्स मिलनी थी, प्राप्तियाँ होनी थी, उन प्राप्तियों में पहले ये प्राप्ति थी. और विज्ञान में और दूसरे जो फील्ड्स में वो आगे चल के जो प्राप्त करते, इनाम प्राप्त करते या कुछ भी प्राप्ति उनको होती अचीवमेंट्स, उसमें ये पहली अचीवमेंट थी. और ये सारा सब कुछ बटरफ्लाई से शुरू हुआ. एन ओनली चाइल्ड, अकेला एकमात्र यानी इकलौते बेटे थे वो अपने पेरेंट्स के. एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलिनिया, देयर वॉजेंट मच टू डू देयर. और वो जब अकेले रहते थे वहाँ पर पेनिसलिनिया में कोई दोस्त नहीं था, उनका साथी नहीं था, तो कहते हैं कि वहाँ पर उनके लिए करने के लिए कुछ खास नहीं था. ही सैड, उसने कहा, आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था विद द टीम ऑफ वन, यानी एक की टीम में अकेले ना ही तो फुटबॉल खेल सकते थे ना ही बेसबॉल खेल सकते थे. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, करेक्ट थिंग्स, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता था, वो क्या था, चीज़ों को करेक्ट करना. सो ही डिड, और उसने ऐसा किया भी. एंड ही डिड एवर, और हमेशा वो करता रहा ऐसा. बिगिनिंग इन द किंडरगार्डन एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद सेम डिटर्मिनेशन. और फिर अपने छोटे किंडरगार्डन में जो एब्राइट थे उन्होंने क्या किया, अपने उसी डिटर्मिनेशन से इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया.
ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स फॉसिल्स एंड कॉइंस। ये आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी एक्टिविटी वो बच्चा करता था। तो आप यहाँ यहाँ बताना पड़ेगा उसने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया, बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया उसी उद्देश्य के साथ, उसी इच्छा की शक्ति के साथ। और इसके अलावा और क्या क्या इकट्ठा करता था? रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइंस, यानी जो पत्थर वत्थर थे, ये जीवाश्म और सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर, और वो एक एस्ट्रोनोमर भी बने, यानी खगोल शास्त्री जो आसमान में देखते रहते हैं, चांद सितारों का पता करते रहते हैं। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार तो रात रात भर वो सितारों को ही देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अमंग विद ए ब्राइट माइंड। तो पहले शुरू से उनके अंदर एक जो खींच देने वाली क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा थी, और जो ब्राइट माइंड से यानी खुले मन से वो चलते थे, हर चीज़ के प्रति वो सीखने की लगन रखते थे। ही हैड ए मदर, उनकी माँ थी, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रोल मदर का शुरू आता है। तो ही हैड ए मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनकी मम्मी थी जो जिसने उनका इंटरेस्ट जो था, रुचि, उसको इंकरेज किया, उसे आगे बढ़ाया, ताकि वो लर्निंग यानी सीखने की उत्सुकता बनाए रखें। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। तो उनकी मदर ने कैसे उसकी मदद की, वो उसको ट्रिप पर ले जाती थी घुमाने फिराने के लिए, टेलीस्कोप ला के दिया, माइक्रोस्कोप ला के दिया यानी सूक्ष्मदर्शी ला के दिया, और जो सितारों को देखने वाली दूरबीन वो ला के दी, कैमराज ला के दिया, और पहाड़ की चढ़ाई के मटेरियल्स थे वो ला के दिए, और दूसरे यंत्र ला के दिए ताकि उसको अधिक अलग अलग तरीके से उनसे सीख सके। तो आई वॉज इज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड, आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग हिम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड द थिंग्स टुगेदर। रिचि वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिचि वॉज इन थर्ड ग्रेड। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि वो सिर्फ अकेला मेरा साथी था जब तक कि वो स्कूल उसने स्कूल जाना नहीं शुरू किया, और उसके बाद मैं उसके लिए घर पे दोस्त लेके आती थी, दोस्त मतलब ये सारा मटेरियल जो स्टडी का है या सीखने का है वो सारा वो लेके आती थी उसकी मदर। लेकिन रात के समय में वो जो कुछ भी करते थे एक्टिविटी एक साथ करते थे। रिची मतलब रिचार्ड एब्राइड को उसकी मदर ने रिच बोला है। तो रिची उसका मेरा कहती है कि रिची ही मेरा पूरा जीवन था, जबकि उसके पिता की डेथ हो गई थी तब वो तीसरी ग्रेड में था, थर्ड क्लास में था। तो तीसरी क्लास की में क्या घटना घटी थी कि उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसकी मदर ही उसकी ज़िंदगी बची थी, यानी उसकी मदर ही उसकी देखभाल करती थी, दोनों एक दूसरे के लिए थे। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो उसका जो बेटा है लगभग हर शाम डाइनिंग रूम पे, जो डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पे डाइनिंग रूम में बैठते थे और एक साथ समय बिताते थे। इफ़ ही हैड ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उसकी मदर कहती है अगर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो मैं उसके लिए काम लेके आती थी, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन मैं उसके लिए शारीरिक काम नहीं लाती थी लेकिन सीखने वाले काम लाती थी, ये उसकी माँ ने कहा। ही लाइक टू इट, वो उसे पसंद भी करता था, ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, स्कूल में वो टॉप ग्रेड में आया। ऑन एवरी थिंग एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और प्रतिदिन वाले हर चीज़ में वो दूसरे साधारण बच्चों की तरह था, हिज मदर सेड, उसकी मन का। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, और जब वो दूसरी ग्रेड में था, एब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड ऑल अराउंड हिज होम टाउन। तो एब्राइड ने 25 प्रजातियाँ जो तितलियाँ थी वो इकट्ठा की थी जो उसके होम टाउन के आसपास यानी घर के आसपास पाई जाती थी। तो ये यहाँ पे एक टेबल दी हुई है कि 25 प्रजातियाँ यहाँ पे उसके नाम लिखे गए हैं कौन कौन सी तितलियाँ उस बच्चे ने इकट्ठी की। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। अब रिचार्ड एब्राइड कहता है कि वो शायद एक अंत हो जाता मेरे तितलियों को इकट्ठा करने का। ही सर, उसने कहा, ऐसा क्यों कहा? बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगर कलेक्टर। तो अब वो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी एक किताब लेके आई थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, यानी तितली का नाम है मोनार्क एक्स, एक प्रकार की प्रजाति है, और उसकी जो यात्रा है उसके बारे में किताब थी, और ये किताब बच्चों के लिए थी। तो ये इसमें किताब में ये बताया गया था कि इस प्रकार से मोनार्क जो तितलियाँ हैं वो माइग्रेट करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, यानी सेंट्रल अमेरिका जाती हैं। तो उसकी ये पूरी कहानी थी, ये किताब उसकी मदर ने लाके उसको दी जब वो बच्चा दूसरी क्लास में था, जो वो चीज़ों को इकट्ठा करना सीख रहा था। तो यहीं से उस बच्चे की उत्सुकता तितलियों के बारे में बढ़ गई।
नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के लास्ट में, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. तो जो किताब को पढ़ने वाले थे उनको इनवाइट किया गया था किताब के अंत में, यानी किताब के अंत में ऐसा संदेश मैसेज दिया गया था कि उन लोगों को इन्विटेशन मिल जाए जो लोग इस किताब में रुचि लेते थे या इसे पढ़ रहे थे. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक. तो डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा जो रिसर्च की जा रही थी उसके लिए सारे जो किताब पढ़ने वाले लोग थे किताब के लास्ट में उन सबको इन्वाइट किया गया था कि भाई आप बटरफ्लाइज को टैग करें. तो टैग करना यानी जैसे बच्चे पीने के लिए जाते हैं तो वो खो ना जाएँ तो उनके हाथ में पट्टा पहनाया जाता है, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ पहनाई जाती है, कोई रिबन वगैरह बांधा जाता है ताकि वो खो ना जाए, तो वो टैगिंग की जाती है. इसी प्रकार से तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था, यानी उनमें कुछ ना कुछ लगाने के लिए कहा गया था. जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्थर ने ये बात किताब लिखी थी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरेंटो. तो टोरेंटो में रहते थे कैनेडा में. एब्राइट्स मदर ब्रॉट टू डॉक्टर आर्थर एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. तो डॉक्टर आर्थर को उसकी मम्मी ने क्या किया, पत्र लिखा और जल्दी एब्राइट ने वो तितलियों को पकड़ के टैग करना शुरू कर दिया. एनी वन हु फाउंड ए टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्थर. तो जो जिस किसी की वो तितली मिलती तो उससे कहा गया था कि भाई आप टैग को निकाल के रख लें और तितली को उस टैग को डॉक्टर आर्थर को भेज दें. तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि किताब थी, किताब द ट्रेवल ऑफ मोनार्क्स थी, मुला के बच्चों को दी गई. किताब के लास्ट में इन्वाइट किया गया था उन लोगों को जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, उन्हें कहा गया था, उनको कहा गया था कि वो तितलियों को पकड़ें और वो उन्हें टैग करके छोड़ दें. बाद में जिसको वो टैगिंग वाली तितली मिलती थी वो टैग को निकाल के डॉक्टर आर्थर के पास भेज देता और तितली को आज़ाद कर देता. तो ये कहा गया था. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 months इन लेट समर. जो तितलियों को इकट्ठा करने का जो काम चला वो अगले 6 महीने तक चला. और नीचे पेज में दिया हुआ है, इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच देम मैनी. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर अ ब्राइड वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट दो थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स टू लेट देम गो. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. और उस बच्चे ने क्या किया, जैसे कि एक एक भाग भाग के तितलियाँ पकड़नी थी तो बड़ा मुश्किल काम था ये, तो उसने जो मादा तितली थी यानी फीमेल मोनार्क थी उसको पकड़ लिया और उसके जो अंडे थे उनको अपने घर के बेसमेंट में उनको इकट्ठा कर लिया और फिर वो अंडे से क्या बनता, कैटरपिलर, और कैटरपिलर से प्यूपा बनता और फिर पूरी तितली बन जाती. तो इस प्रकार से तितलियों की जो झुंड था यानी उसने अपने बेसमेंट में उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें भाग भाग के पकड़ना ना पड़े और वो अलग अलग स्टेज में अपने जीवन के उसके बेसमेंट में ही रहने लगी. तो यहाँ पे ये टेबल दी हुई है. उसके बाद नीचे ये बताया गया है, इवेंचुअली बच्चा कहता है, इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. अब बच्चे को धीरे धीरे ये टैगिंग, जो बटरफ्लाई को टैगिंग करने वाला काम था, इन तितलियों को टैग करने वाला काम था, ये मुश्किल लगने लगा, उसका इंटरेस्ट में कम होने लगा. इट्स ट्यूडियस, ये थका देने वाला काम था. एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और कुछ ज़्यादा फीडबैक भी यानी कुछ ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं आया इसका. तो एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम आई डिड इट. वो कहता है जितने वक्त मैंने इसे किया इसमें मुझे कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं आया. ही लाफ्ड, ऐसा कहते वो हंसता है. ओनली टू बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव. तो सिर्फ दो बटरफ्लाइज जो टैग की हुई मैंने छोड़ी थी उसको रिकैप्चर किया गया, दोबारा पकड़ा गया, और वो भी 75 miles दूर से ज़्यादा का जो डिस्टेंस था वो नहीं था जो तितलियाँ पकड़ी गई. तो इसलिए अब उसका जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा कम होने लगा बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में. अब इस चैप्टर में अगला हम पेज पे आते हैं, अगले पेज पे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर को ही. देन इन द 7th grade ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अकाउंटिंग साइंस फेयर ही एंड लॉस्ट. इट वॉज रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग. एवराइट हैड सेड हिज एंट्री वॉज स्लाइड ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपल मेक ए नीट डिस्प्ले. अब जब वो 7th grade में था तब उसको हिंट मिली थोड़ी सी किस बात की,
कि वास्तविक साइंस क्या चीज़ होती थी, जब वो विज्ञान के काउंटी फेयर में गया और वहाँ वो खो गया। तो ये उसने कहा कि वहाँ बैठ करके सबसे बड़ी उदास वाली भावना ये आती है जब सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है और आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि एब्राइड ने वहाँ पे एंट्री में स्लाइड दिखाने की कोशिश की थी, फ्रॉग टिश्यू जो मेंढक के टिश्यू होते हैं उनकी जो स्लाइड्स उनको दिखाने की कोशिश की थी एक माइक्रोस्कोप स्कोप के नीचे। ये सिंपल सा एक डिस्प्ले था, बाकी किसी ने इस प्रकार का डिस्प्ले नहीं दिखाया था, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट दिखाए थे और बच्चे ने यहाँ एक सिंपल डिस्प्ले दिखाया था, तो इसलिए वो वहाँ पर नाकाम रहा और वहीं से उसकी जो आँख खुल गई, भाई उसने सोचा कुछ रियल करना है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रियलिटी ब्राइट वॉज अपेयरिंग, आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट। तो उसने कहा कि उसने कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लानी पड़ेगी अपने मन में और अगले साल के जो मेले के लिए यानी साइंस फेयर के लिए, विज्ञान मेला के लिए, उसको कुछ ना कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, कोई रियल चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। ही सेड द सब्जेक्ट आई न्यू वॉज मोस्ट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। तो वो कहता कि जो विषय था जिसके बारे में ज़्यादा वो जानता था वो इंसेक्ट वाले काम था जिनको पिछले कई सालों से कर रहा था। तो सो ही रोड टू डॉक्टर थर्ड, फिर उसने डॉक्टर थर्ड को चिट्ठी लिखी फॉर द आइडियाज़, कुछ उसका आइडियाज़ प्राप्त हो जाए। एब्राइड भी आइडियाज एंड बैक बैक के स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट के लिए ढेर सारे सुझाव वहाँ पे आ गए, उसको जो जिसने जवाब मांगा था उसके जवाब में ढेर सारे सुझाव उसके पास आ गए। दोज केप्ट एब्राइड बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इस बात से एब्राइड अब बिजी होगा अगले कुछ समय के लिए, अपने हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी उसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट में काम करता रहा उस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले के लिए, कि अगले साल अब उसको कुछ ना कुछ नया करके दिखाने। तो यहाँ पे हम देखें 7th क्लास में क्या हुआ, साइंस फेयर में गया, वहाँ वो फेल रहा क्योंकि उसने फ्रॉक टिश्यूज दिखाए थे सिंपल स्लाइड्स पे और उसने देखा सबने कोई ना कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया था, तब यहाँ इस बच्चे ने सोचा वो कुछ आगे अच्छा करेगा और फिर वो अगले वर्ष के लिए कुछ ना कुछ सोचने की उसने रखा था, लेकिन काम उसे कुछ आता नहीं था, सिर्फ वो वही काम जानता था कि वो चीज़ों को इकट्ठा करना है यानी बटरफ्लाइज को इकट्ठा करने का उसने काम किया था। तो फिर इसीलिए उसने डॉक्टर थर्ड को फिर चिट्ठी लिखी और वहाँ से ढेर सारे सुझाव आए और फिर वो अपनी 10th क्लास की पढ़ाई के साथ वो साइंस फेयर की भी तैयारी करता रहा। फॉर द 8th ग्रेड, अब पहले उसकी 8वीं क्लास की कहानी देख लेते हैं। 8th ग्रेड प्रोजेक्ट में क्या हुआ, एब्राइड ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। एब्राइड थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई बीटल, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बटर बीटलेस, आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन्ट। तो 8वीं क्लास में क्या हुआ, रिचर्ड एब्राइड जो था उसने वास्तव में एक कारण पता करने की कोशिश की एक वायरल बीमारी के बारे में, डिजीज़ के बारे में जो लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स को मार देती थी हर साल। तो एब्राइड ने सोचा कि जो बीमारी है ये बीटल के द्वारा होती होगी, तो उसने बीटल्स को एक साथ, जो भौंरा टाइप में होता है, बीटल को और तितलियों को एक साथ दोनों को उसने क्या किया, पालना शुरू किया ताकि दोनों एक साथ बढ़ते रहें आगे, और फिर उसको कुछ खास रिजल्ट इससे आए नहीं। तो फिर वो आगे बढ़ा और उसने जो एक्सपेरिमेंट था ये दिखाने की कोशिश की, इस बार वो जीत गया, यानी इस बार जीत उसकी रही। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में अब क्या हुआ, इन साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट द वॉयस राय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। फिर अगले इसमें साल में उसने क्या दिखाया कि जो बटरफ्लाइज थी वॉयस राय वो मोनार्क तितलियों की कॉपी करती थी यानी नकल करती थी। द थ्योरी वॉज दैट वॉयस राय लुक्स लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डिडेंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो ये थ्योरी ये थी कि जो वायसराय पक्षी थे वो ज़्यादातर मोनार्क की तरह दिखाई देती थी और इनका जो टेस्ट था मोनार्क का वो पक्षियों को अच्छा नहीं लगता था, यानी पक्षी मोनार्क तितलियों को नहीं खाती थी। वायसरायज इन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वायसराय तितलियाँ थी वो पक्षियों को खाते थे, उनको पक्षियों को उस तितली का टेस्ट अच्छा लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर। तो वो सोच रहा था कि जो अगर वायसराय तितलियाँ मोनार्क की तरह जितना ज़्यादा दिखेंगी उतना ही कम वो पक्षियों का डिनर बनेंगी, अगर सेम देखने में सेम है, एक का टेस्ट अच्छा है एक का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है अगर दूसरी वाली तितलियाँ भी वैसे दिखेंगी तो वो पक्षियों की उससे पहुँच से बच जाएंगी, यानी उनको टेस्ट अच्छा पक्षियों को लगेगा नहीं, वो खाएंगे नहीं तो तितलियाँ बच जाएंगी। एवरेट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो एवरेज का जो प्रोजेक्ट था ब्राइट का वो ये दिखाने का था कि जो पक्षी हैं वो मोनार्क तितलियों को खाते थे। ही फाउंड दैट दे स्टार्टलिंग
would not eat ordinary birds. It would eat all the monarchs it would get. तो उसने पाया कि जो पक्षी था सिंपल तौर पे जो वो मोना जितनी भी ऑर्डिनरी सॉरी इट वो इट वुड ईट ऑल द मोनाक सारे मोनाक तितलियों को खा जाती थी. इट वुड गेट जितना उसको प्राप्त यानी पक्षियों को मोनाक तितली का जो टेस्ट था वो अच्छा लगता था और वो इस हिसाब से वो खा जाते थे इसको. तो एवराइड सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल शोड दैट वाइट ट्राई प्रोबेबली डू कॉपी मोनाक. तो जो एवराइड का जो कहा जाता है जो उसका रिसर्च था बाद में ये था कि वायसराय जो शायद मोनाक तितलियों की कॉपी करती थी यानी वायसराय तितलियाँ मोनार्क तितलियों की कॉपी करती थी नकल करती थी. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवर ऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. तो इसका जो प्रोजेक्ट था इसको जियोलॉजी डिवीजन में तो पहला स्थान और पूरे साइंस फेयर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ. वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही तो फटाफट से कर दूँगा. तो इन द साइंस ईयर इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल के दूसरे साल में यानी नाइन्थ क्लास हाई स्कूल का पहला साल था और टेंथ क्लास हाई स्कूल का दूसरा साल. तो इसमें क्या किया इसने क्लास वाइज देखते चलेंगे. सेवन्थ क्लास में मेले में गया और वहाँ खो गया असफल रहा. फिर एट्थ क्लास में उसने एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश की कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क तितलियों की कॉपी करती थी. और अब यहाँ टेंथ क्लास में क्या किया रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन. तो यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो एक अनजान प्रकार का इंसेक्ट हार्मोन था उसके बारे में. इनडायरेक्टली इट वुड लेड टू द न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल. और इनडायरेक्टली बात करें तो अब वो उस थ्योरी पे जा रहे थे कि सेल्स का जो जीवन होता है वो कैसा होता है उसकी थ्योरी पे वो अब आने वाले थे इस एक्सपेरिमेंट से. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल. जो प्रश्न जिसका उसने जवाब देने का की कोशिश की वो बहुत साधारण प्रश्न था. क्या क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पज ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा. मोनार्क प्यूपा जो तितली है जो प्यूपा वाले अपने चरण में आती है तो उसके ऊपर 12 जो यानी 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स 12 जो छोटे छोटे सुनहरे रंग के यानी गोल्डन कलर के स्पॉट धब्बे थे उसके पंख पे वो किस चीज़ के धब्बे थे. एवरीवन अम्यूज्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. तो सब लोग हैरान होकर ये कह देते थे कि ये जो ऑर्नामेंटल के लिए यानी कुदरत ने सजावट के लिए 12 धब्बे इसके ऊपर गोल्डन कलर के दिए हैं तितली के ऊपर. इन एवराइट सेड एवराइट ने ऐसा कहा बट डॉक्टर आर्थर डिडंट बिलीव इट. लेकिन जिसने वो किताब लिखी थी द प्रोसीडिंग ऑफ मोनार्क एक्ट उसके लेखक ने डॉक्टर आर्थर ने इस बात का विश्वास नहीं किया. टू फाइंड द आंसर इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए एवराइट एंड हिज मदर एवराइट एंड हिज अनदर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. तो उन्होंने उसने एब्राइड ने और उसका जो कमरे में रहने वाला साथी जो रूम शेयर करते थे एक साथ उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ये दिखाता था कि जो तितलियों के अंदर ये धब्बे हैं इनमें से हॉर्मोन्स निकलते थे जो उस तितली के विकास के लिए ज़रूरी थे उसके पूरे विकास के लिए ज़रूरी थे. द प्रोजेक्ट वॉन अभी जो प्रोजेक्ट था इसने जीत गया. द प्रोजेक्ट वॉन एब्राइड फर्स्ट प्लेस प्रथम स्थान प्राप्त किया इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और विज्ञान के और इंजीनियरिंग जो मेले में जो अंतर्राष्ट्रीय मेला था उसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस इन फोर जियोलॉजी और जियोलॉजी में यहाँ पर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया. ही ऑल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. तो यहाँ पे वाटर रीड आर्मी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में उनको वहाँ की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने का अवसर मिल गया गर्मी की छुट्टियों में. एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा. अब वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल जूनियर के स्टूडेंट थे और उन्होंने वहाँ पे एडवांस एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया मोनार्क प्यूपा के ऊपर. दैट ईयर दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर. और इस साल इनको फर्स्ट प्रथम स्थान प्राप्त हो गया अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में एंड गिव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर. और एक दूसरा मौका मिल गया गर्मी की छुट्टियों में फिर दोबारा उस लेबोरेटरी में काम करने का. आगे देखते हैं एज ए हाई स्कूल जूनियर हाई स्कूल सीनियर. अब यहाँ सीनियर ईयर में ही वेंट टू स्टेप फर्दर. वो कुछ कदम आगे बढ़ा. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम फॉर द मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर एंड श्योर दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स.
That project won first place for the zoology in the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. तो सीनियर ईयर में क्या किया, एक कदम आगे बढ़ गए वो, और उन्होंने वहाँ दिखाया कि जो सेल्स थी वो ग्रो करती थी, बढ़ती थी सेल्स, यानी कोशिकाएँ बढ़ती थी, मोनार्क जो मोनार्क तितली के पंखों में जो धब्बे थे उनमें जो कोशिकाएँ थी वो बढ़ती थी. कब बढ़ती थी, बढ़ती भी थी और डिवाइड भी होती थी, बढ़ती भी थी डिवाइड होती थी और डेवलप होती, उनका विकास भी होता था. किसी भी नॉर्मल बटरफ्लाई में अगर उन्हें पूर्ण रूप से फीड किया जाए, इनको पोषण अगर दिया जाए, तो क्या हुआ, उसने ये पता किया जो तितली के अंदर 12 गोल्ड स्पोर्ट्स थे, उन हॉर्मोन से हॉर्मोन्स निकलते थे जो तितली के विकास के लिए ज़रूरी थे. ये हॉर्मोन्स बढ़ते भी थे, डेवलप भी होते थे, ठीक है ना, अगर उनको अच्छे से फीड किया जाता है जाए तो, अगर अच्छे से उनका पालन पोषण किया जाए तो. इस प्रकार से उन्हें जो गर्मी का जो टाइम था वो ग्रेजुएशन करते करते साथ साथ आर्मी लेबोरेटरी में उसने ग्रेजुएशन के दौरान भी अपनी जो पढ़ाई थी वो जारी रखी और वहाँ की लेबोरेटरी में काम करते रहे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में अपने जो शोध थे वो करते रहे. इसके बाद द फॉलोइंग समर आने वाली गर्मी की छुट्टियाँ, गर्मी के टाइम में फिर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी. तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिर एब्राइट फिर वापस लेबोरेटरी में गए ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उस कृषि विभाग वाले में, एंड डिड मोर वर्क ऑन हॉर्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, और गोल्ड स्पोर्ट्स से आने वाले इन हॉर्मोन्स के ऊपर उन्होंने और अधिक काम किया. यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और क्योंकि लेबोरेटरी था और वहाँ पर बड़े शानदार इंस्ट्रूमेंट थे, काफ़ी अच्छे थे, सोफिस्टिकेटेड थे, तो वहाँ पर वो जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर था उन हॉर्मोन्स का, यानी उनकी जो रासायनिक संरचना थी, उनको समझने में पहचानने में समर्थ रहे. ए ईयर एंड ए हाफ, डेढ़ साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जो अपना जूनियर में पढ़ाई कर रहे थे, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ. उनको एक नया विचार आया कि जो सेल्स का जो जीवन है उसकी थ्योरी के बारे में एक नया विचार आया. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर हॉर्मोन. ये विचार कब आया, जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे ना किसी भी हॉर्मोन के, जो केमिकल स्ट्रक्चर, जो रासायनिक संरचना थी हॉर्मोन्स की, उनके फोटोज को जब वो देख रहे थे तो उनके मन में विचार आया. When he saw those photos, जब उसने वो फोटोज देखे, Abraham didn't shout, वो चिल्लाया नहीं. क्या नहीं चिल्लाया, यूरेका. यूरेका एक ऐसा शब्द होता है जो वैज्ञानिक तब चिल्लाते हैं जब, मतलब अचानक बोलते हैं, जैसे जब मैच जीता तो बच्चे हुर्रे बोलते हैं खुशी के मारे, तो वैज्ञानिक जब कोई चीज़ नई खोज लेते हैं या कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कुछ नया बना लेते हैं, तो वो चिल्लाते हैं यूरेका. तो यहाँ पर वो बच्चे को नई चीज़ तो प्राप्त हो गई लेकिन उसने ऐसा नहीं चिल्लाया. एंड इवन आई हैव गॉट इट, या फिर उसने ये भी नहीं बोला हाँ भाई मिल गया, मुझे मिल गया. But he believed that among with his findings out insect hormones, the photos gave him answer to one of the biology's puzzle. अब उसको फोटोज के साथ साथ उसको एक बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की जो पजल थी, उलझन थी, उसका एक जवाब मिल गया. How the cells can read the blueprint of DNA? कि DNA का जो blueprint है उसे एक सेल यानी कोशिका कैसे पढ़ती है. DNA, अब DNA क्या चीज़ है, DNA इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है, तत्व होता है जो DNA होता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. इट डेवलप्स डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. ये किसी भी सेल के फॉर्म, उसके रूप और उसके फंक्शन कार्य को प्रभावित करता है, डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है. दस DNA इज द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ. इस प्रकार से DNA जो जीवन का ब्लू प्रिंट है. अब लास्ट पेज हमारे चैप्टर का है, पढ़ेंगे. एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूम मेट जेम्स आरबोन. जो एब्राइट था उसका साथ जो रहने वाला जो लड़का था, जो उसका साथी था, उसका नाम था जेम्स आरबोन. वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात उन्होंने काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स, कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन. टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. अब वो दोनों साथी क्या करते थे, रात भर बैठते थे, ड्राइंग्स बनाते थे, पिक्चर को ड्राइंग बनाते थे और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते थे मॉलिक्यूल्स के, ये दिखाने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता था. और साथ ही साथ वो लिखते भी थे कागज़ के ऊपर, पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करते थे, लिखते थे. सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन द क्लास ऑफ 1510. एब्राइट वेंट टू ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर
at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. अब ये हैरान कर देने वाली बात थी कि जो रिचर्ड एब्राइट था, जिसने ग्रेजुएशन की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और हाईएस्ट ऑनर्स में उसने डिग्री प्राप्त की थी, वो 1510 बच्चों में उसका दूसरा स्थान था. एब्राइट वो जो ग्रेजुएट भी ग्रेजुएशन भी उन्होंने की, रिसर्च भी की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, साथ साथ दोनों काम किए और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इस थ्योरी के ऊपर जो वो बना रहे थे, तो उसको टेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया. इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही जाती थी, डीएनए वाली थ्योरी जो थी वो सही जाती थी, इट कुड बी ए बिग स्टेप टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. तो जीवन के जो अलग अलग गतिविधियां उनको समझने में बहुत बड़ी मदद मिलती. इट माइट ऑल्सो लीड टू द न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज. और उनको साथ ही साथ नए नए विचार मिल जाते हैं किस बात के लिए, दो जो बीमारियाँ थी जैसे कैंसर है या फिर दूसरी बीमारियाँ हैं, उनके इलाज रोकथाम के लिए और भी विचार मिल जाते हैं. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सारा सब कुछ संभव हो पाया एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासाओं के द्वारा, क्योंकि उनकी उत्सुकता थी कुछ ना कुछ सीखने की, तो उसके द्वारा ये सब कुछ संभव हो पाया. हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ. तो उसका जो हाई स्कूल का जो रिसर्च था, जो उन्होंने जो धब्बे थे तितली के ऊपर यानी स्पॉट्स थे, उनका क्या उद्देश्य था ये पता करने की कोशिश की, और फिर ये धीरे धीरे चल के सेल लाइफ तक चली गई यानी कोशिकाओं के जीवन के एक्सपेरिमेंट तक चली गई. रिचर्ड एब्राइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. वो विज्ञान में तब से रुचि लेते थे जब से वो उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन इतनी गहराई से भी वो नहीं करते थे काम कि बाकी चीज़ें वो छोड़ दें. अब एब्राइट की क्या क्या क्वालिटीज थी जरा पढ़ें. एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनविस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. अब वो चैम्पियन डिबेटर थे, बहस करने में, डिबेट करने में भी वो चैम्पियन थे और बहस प्रतियोगिता में, और पब्लिक स्पीकर भी थे, लोगों में बोलते भी थे. कैनविस्ट नाविक भी थे, अच्छे नाव चला लेते थे यानी मनोरंजन का भी उनका साधन था, और बाहर भी घूमने के वो उत्सुक रहते थे यानी ये घूमने फिरने के इच्छुक रहते थे. ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. वो बहुत बढ़िया फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और ख़ासतौर पे प्रकृति और जो विज्ञान से संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं उनके वो शौकीन हैं. इन हाई स्कूल एब्राइट वॉज ए स्टेट ए स्टूडेंट. और हाई स्कूल में क्या थे वो, स्टेट ए स्टूडेंट यानी टॉप लेवल के स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि सीखना आसान था. ही टर्नड ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. उन्होंने ढेर सारी जो एनर्जी थी अपनी, ऊर्जा थी, वो डिबेटिंग में लगा दी यानी बहस करने में लगा दी, एंड मॉडल है यूनाइटेड नेशंस क्लब्स के. तो ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. एक और इंसान की वो प्रशंसा करते थे यानी एक ऐसा इंसान था जो उनकी प्रशंसा करता था. एक और था, कौन थे भाई, उनका नाम था रिचर्ड ए बेरियर. अब ये रिचर्ड ए बेरियर कौन थे ये भी उनकी प्रशंसक रहे. हिज स्कूल स्टडीज टीचर, जो विद्यालय में पढ़ते थे तो सोशल स्टडी टीचर थे उनके, SST पढ़ाते थे उनको, एंड एडवाइज़र, उनको सलाह भी देते थे टू बोथ क्लब्स. दोनों क्लब को सलाह भी देते थे यानी SST क्लब और साइंस के क्लब को, दोनों को ही सलाह देने वाले थे, सलाहकार भी थे. तो भाई वो भी उनके बारे में बताते हैं, रिचर्ड एब्राइट के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं. क्या कहते हैं, मिस्टर वीरियर वॉज परफेक्ट पर्सन फॉर मी. रिचर्ड एब्राइट कहता है अपने टीचर के बारे में, मिस्टर वीरियर के बारे में, कि वो उनके लिए परफेक्ट इंसान थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. उन्होंने मेरा नए चीज़ों के लिए मन को खोल दिया, एब्राइट से एब्राइट ने कहा. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट. रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे यानी ज़्यादा कोशिश करते थे. मिस्टर वीरियर सर, ऐसा उनके SST के टीचर मिस्टर वीरियर कहते हैं. What pleased me was here was this person who put in there in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो वो कहते हैं जो इस बात से मैं काफ़ी खुश रहता था वो ये थी रिचर्ड की वो आदत कि वो 3 या 4 घंटा रात को डिबेट करता था, बहस करता था अपने शोध के ऊपर, जो रिसर्च करते थे उसके ऊपर, और इसके अलावा वो बटरफ्लाई का रिसर्च भी करते थे और दूसरे जो उनकी रुचि वाले काम थे उनमें भी वो अपना टाइम निकाल लेते थे.
रिचार्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिशन वाले थे यानी प्रतियोगिता में भाग लेते थे, प्रतियोगितात्मक इंसान थे। तो मिस्टर बेरियर कंटिन्यूड, और ये कहते हैं उनके जो टीचर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या बताते हैं, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन गलत तरीके से नहीं, यानी विज्ञान में जितने भी उन्होंने शोध किए वो अच्छे के लिए किए उन्होंने। ही एक्सप्लेन रिचार्ड वॉजन इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग शेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज। तो रिचार्ड सिर्फ इसलिए नहीं जीतते थे कि उनको जीतना है, इसलिए नहीं जीतते थे कि उन्हें जीतना है बल्कि या फिर कोई इनाम प्राप्त करना है। रिचार्ड ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो इसलिए जीते थे कि वो जो अपना जो भी काम मिला है उसको सबसे बेस्ट करना चाहते थे, अच्छे से अच्छा करना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों से, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट होना चाहते थे। एंड दैट वॉज दैट इज़ वन ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और ये वैज्ञानिक बनने की सामग्रियों में से एक सामग्री ये भी है कि अच्छे कारणों से जीतना। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, पहले रेट के माइंड से यानी बढ़िया दिमाग से अपने काम शुरुआत करें फर्स्ट रेट से करें। एड क्यूरियोसिटी, उसमें जिज्ञासाओं को मिलाएं। एंड मिक्स इन द विल, और उसमें इच्छा को मिक्स करें। टू विन फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों के लिए। रिचार्ड हैज दीज क्वालिटीज, रिचार्ड के अंदर ये विशेषताएँ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, तो जब से उन्हें ये किताब मिली थी ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, तब से उनके सामने जो विज्ञान जगत का पूरा द्वार खुल गया। रिचार्ड एब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचार्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को नहीं खोया। तो रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने ये लिखा है, और इसमें हम फटाफट एक बार फिर देख लेते हैं। तो शुरुआत में रिचार्ड जो था सेकंड ग्रेड में था, और उस चीज़ों को इकट्ठे करने की आदत थी क्योंकि वो अकेला रहता था, और उसकी मदर का बहुत बढ़िया रोल था, और मदर के रोल को बार बार पढ़ना होगा कि उसकी मदर कौन कौन सी चीज़ें ला के उन्हें देती थी, किस प्रकार से मदद करती थी। तो मदर का रोल, फिर जो ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स किस प्रकार से टर्निंग पॉइंट बन गई उस बच्चे के जीवन में, जो सेकंड क्लास में ला के उसको दी गई। थर्ड क्लास में उसके पिता का देहांत हो जाता है जो, और उसके बाद सेवन्थ क्लास में जब वो काउंटी फेयर साइंस फेयर में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिसर्च होते हैं उन सब रिसर्च को देख करके उसे अपना एक्सपेरिमेंट वहाँ फीका दिखाई देता है, यानी अपना जो उसने डिस्प्ले करने की कोशिश की थी फ्रॉग टिश्यूज़ को, वो उसको फीका लगता है। तो फिर वहाँ से फिर अर्थर्ड को चिट्ठी लिखते हैं, और फिर उसके बाद वो एट्थ क्लास में ये दिखाते हैं वायसराय और जो दूसरी मोनार्क जो तितली थी वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, ये वाला रिसर्च उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी एट्थ क्लास में। फिर टेंथ ग्रेड में आए तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और जो धब्बे थे जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर थे वो 12 धब्बे, उनका पता करने की कोशिश की ये गोल्डन स्पॉट थे ये क्यों थे, और यहीं से सेल लाइफ का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, यानी 10th ग्रेड के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, 9th और 10th क्लास में। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ वो आगे चल के पढ़ाई के साथ साथ जो सेल्स के ऊपर रिसर्च करते रहे, और फिर बाद में उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया। और डीएनए के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है और किस प्रकार से होती है। तो उसका जो टीचर थे जो अर्थर्ड था उनका रोल भी इम्पोर्टेंट के जीवन में, और जो किताब है वो टर्निंग पॉइंट कैसे हुई ये भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी मदर का ही रोल आता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेंगे और उसकी विशेषताओं को आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, और अलग अलग क्लासेस में क्या क्या उन्होंने किया, वैसे सेवन्थ में क्या किया, एट्थ में क्या किया, और फिर नाइन्थ टेंथ में क्या किया, यहाँ इस तरीके से ग्रेजुएशन तक पूरा उनका यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर में, इसे थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।